दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल कोर्ट में याचिका दायर कर एक पुलिस अधिकारी को हटाने की मांग की है। केजरीवाल का आरोप है कि इस पुलिस अधिकारी ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। बता दें कि एक दिन पहले शुक्रवार को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निर्देशालय की हिरासत में भेज दिया है। अब केजरीवाल ने राहुल कोर्ट में एक याचिका दायर कर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस AK सिंह को उनकी सुरक्षा से हटाने का आग्रह किया गया। दरअसल सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दावा किया कि दिन में सुनवाई के लिए अदालत ले जाए जाने के दौरान AK सिंह ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। केजरीवाल को अदालत परिसर और उनके आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर करीब 2 बजे अदालत में पेश किया गया था। 55 वर्षीय अरविंद केजरीवाल को जाँच एजेंसी ने गुरुवार रात दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में उनके आधिकारिक आवास से धन शोधन विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुर्व्यवहार का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले केजरीवाल के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था। सिसोदिया ने इसी तरह की घटना के संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। वाकया बीते साल हुआ था जिसमें अधिकारी AK सिंह को मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर खींचते हुए ले जाते देखा गया था। उसका वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM को भी शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया 1 साल से अधिक समय से जेल में है। इस बीच विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबेजा ने प्रवर्तन निर्देशालय को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की हिरासत भी दे दी और जांच एजेंसी को रिमांड पर आगे की कार्रवाई के लिए 28 मार्च को दोपहर 2 बजे तक उन्हें अदालत में पेश करने को कहा। कोर्ट ने ED को निर्देश दिया कि वो जांच से जुड़ी अपडेट कोर्ट को बताए। अदालत ने जांच एजेंसी को CCTV निगरानी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूछताछ के फुटेज को भविष्य में संदर्भ के लिए संरक्षित रखा जाए। इसके अलावा केजरीवाल को जांच एजेंसी की हिरासत में रहने तक रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई है। केजरीवाल को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से हर दिन आधे घंटे के लिए मिलने की भी अनुमति दी गई है। कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि केजरीवाल को डॉक्टरों द्वारा बताया गया खाना मिले। अदालत के आदेश में कहा गया यदि ये संभव नहीं है तो अरविंद केजरीवाल को घर का खाना खाने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले राहुल कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ED ने केजरीवाल की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ सांठगांठ करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली अबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी है। मामले में ED के 2 साल की जाँच के दौरान ये पहली बार है जब एजेंसी ने दावा किया है कि आप प्रमुख लाभार्थी थी।